टेंडर कमेटी द्वारा बनाई गई लिस्ट में अधिवक्ताओं का नाम शामिल न होने से नाराज चंदोसी के अधिवक्ता बैठे धरने पर जताया विरोध। प्रस्तावित चंदोसी बार एसोसिएशन के चुनाव में गठित एल्डर कमेटी द्वारा कई अधिवक्ताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल न होने से नाराज आज चंदोसी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए जमकर एल्डर कमेटी का विरोध जताया। अधिवक्ताओं का कहना था कि एल्डर कमेटी कई महीने से बार बार वोटर लिस्ट बना रही है, लेकिन हर बार जो प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे अधिवक्ताओं में रोष है। इसी को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि चुनी गई कमेटी अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है और दो सदस्यों का विरोध होने के बावजूद भी एल्डर कमेटी किसी की बात नहीं सुन रही, जिसका हम विरोध करते हैं। और चौदहवीं बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में एल्डर कमेटी अपनी मनमानी कर रही है, जो सरासर अनुचित है और हम इसका विरोध करते हैं। एल्डर कमेटी द्वारा कई अधिवक्ताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जो गलत है। इसी को लेकर अधिवक्ता आज धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आपकी मांग है और क्यों बैठे हो आप? हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, वार्षिक चुनाव। इस चुनाव में जो हमारी एल्डर कमेटी चुनी गई है, उसके दो सदस्यों के असहमत होने के बावजूद तीन सदस्यों ने अपनी मनमानी करके, बेमाना करके गलत वोट बनाए। यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को वोट नहीं बनाया है, जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों को वोट बनाया गया है। एक प्रत्याशी को जिताने को लेके वो बेईमानी के तौर पर काम कर रहे हैं, जिस उस बात का हम सभी बाकी सभी कैंडिडेट्स मिलकर सामूहिक विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध जायज है और हम जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो आज ये मनमाने तौर से कर रहे हैं, उसके विरोध में वो भंग करने की मांग कर रहे हैं और नई एल्डर्स कमेटी गठित करने की मांग कर रहे हैं। ये एल्डर कमेटी बेईमान है, इससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, इसे बर्खास्त किए जाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम ये धरना कर रहे हैं। ये आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हो, देखिए हमारे यहाँ पे जो है चंदोसी बार एसोसिएशन चंदोसी के बार के चुनाव प्रस्तावित थे, जिसके लिए जो है एल्डर कमेटी का चुनाव किया गया था। एल्डर कमेटी पिछले लगभग ढाई महीने से चुनाव बना रही है, अब तक कम से कम 20 तरीके की लिस्टें बन चुकी हैं। कभी जो है कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी प्रैक्टिशनर बढ़ जाते हैं, कभी नॉन प्रैक्टिशनर बढ़ जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें इसमें होती चली आ रही हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि तमाम लोग जो प्रैक्टिशनर लोग हैं, उन प्रैक्टिशनर लोगों को जो है इसमें इस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तो ये बात जो है, जो हमारे तमाम हमारे साथी लोग हैं हमारे बार के, उन्हें ये बात जो है बिल्कुल ठीक नहीं लगी है और इसके विरोध में जो है आज ये सारे लोग, हम सब लोग जो है मिलके हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सही वोटर्स को जो है, जो वास्तव में जो बायलॉज के अनुसार जो बनते हैं, उनको बनाया जाए। आपका प्रकाश शर्मा, आज क्या कर रहे हो आप, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला हुआ? जो वोटर लिस्ट बने हैं वो बायलॉज के अनुसार नहीं है, बायलॉज जो हमारी बार काउंसिल कहती है उसी के हिसाब से चुनाव होने और बायलॉज के हिसाब से चुनाव कराया जाए। और ये जो एल्डर कमेटी बनी है वो भी गलत है, क्योंकि क्या मांग है आपकी, आज क्या मांग है करना? ये जो आज प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया थी वो खत्म करके उसको लिस्ट को पुनर्गठित किया। वैसे आपकी क्या मांग है? देखिए जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें बहुत सारी खामियाँ हैं, तमाम ऐसे वोटर हैं जो यहाँ पकड़ कर नहीं आते हैं, उनके वोट हैं, तमाम ऐसे वोटर हैं जिनका COP नंबर है, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ बैठते हैं, उनके नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो एल्डर कमेटी का जो रवैया रहा वो ठीक नहीं रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एल्डर कमेटी ही जो है अब बदल दिया जाए, दोबारा नए सिरे से जो है उसको संशोधित किया जाए। जो लोग वाकई में यहाँ वकील हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वो वोटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का वकालत से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग वोटिंग करेंगे तो उसको पूरे चुनाव को प्रभावित कर देते हैं।